साउंड अलर्ट वाला इनोवेटिव डस्टबिन का मॉडल बनाकर सुर्खियों में आए विनायक राणा ने एक और उपलब्धि अर्जित की है। विनायक राणा का अब प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव के लिए सिलेक्शन हुआ है। विनायक हिमाचल का इकलौता छात्र है जिसे देश भर के साइंस स्ट्रीम के 30 छात्रों में स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे इसरो मुख्यालय बेंगलोर और आईआईटी दिल्ली में एक्सपर्ट के नए इनोवेटिव आइडिया सीखने का मौका मिलेगा। ये लर्निंग प्रोग्राम 10 से 24 अक्टूबर तक दो चरणों में होगा। पहले चरण में 10 अक्टूबर को बेंगलोर में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 60 छात्र हिस्सा लेंगे। इनमें 30 साइंस के और 30 आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, जिन्हें अलग फील्ड के एक्सपर्ट नए आइडियाज बताएंगे। प्रशिक्षण का दूसरा चरण आईआईटी दिल्ली में 12 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रशिक्षण में एक्सपर्ट छात्रों को परफेक्ट बनाया जाएगा। विनायक को इसकी सूचना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से मिले पत्र में मिली है। विनायक ने 2018 में इंस्पायर अवार्ड में हिस्सा लेकर साउंड अलर्ट वाला डस्टबिन तैयार किया था। उस दौरान विनायक का ये मॉडल जिला और प्रदेश स्तर पर अव्वल रहने के बाद राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ था। दिल्ली आईआईटी के इंजीनियर ने भी विनायक के इस स्मार्ट मॉडल को अपने ढंग से मॉडिफाई किया था। अब स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत विनायक का मॉडल अगले वर्ष जापान के रिसर्च सेंटर में भेजा जा रहा है। अपनी इस उपलब्धि को लेकर विनायक राणा खासे उत्साहित हैं। विनायक की माने तो इस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए वे नए आइडियाज को लेकर अपने अगले मॉडल पर काम करेंगे। वहीं अपने बेटे की उपलब्धि पर परिजन भी खुश हैं। विनायक के पिता संजीव राणा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनका बेटा देश में जिला ऊना और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के नोडल ऑफिसर प्रदीप सिंह ने कहा कि 9वीं के छात्र विनायक का चयन पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के लिए हुआ है, जिससे प्रतिभाशाली छात्र को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। मंडी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर यहां के लोगों को पहली बार लेजर शो देखने को मिला। ये लेजर शो छोटी काशी महोत्सव के दौरान हर शाम 8 बजे आयोजित किया जा रहा है। इस लेजर शो के माध्यम से मंडी के इतिहास को लेजर लाइटों के माध्यम से पर्दे पर साउंड के साथ दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही धार्मिक शो जैसे रामायण को भी पर्दे पर लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें लाइट के साथ अन्य प्रकार के माध्यमों का भी इस्तेमाल कर स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते हैं। छोटी काशी महोत्सव के शुभारंभ के उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी मंच पर आयोजित इस लेजर शो की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उत्सव वर्ष में होने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति को समझने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लेजर शो के माध्यम से जिस प्रकार से मंडी के इतिहास को दर्शाते वृत्तचित्र साउंड के साथ दिखाए गए हैं, वो एक अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में वर्ष भर शिवरात्रि के महोत्सव को छोड़कर कोई और उत्सव नहीं होता है, जिसके के लिए छोटी काशी महोत्सव की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी लोगों के लिए ये नया साधन है, लेकिन फिर भी लोग इस लेजर शो का बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं। मंडी में पहली बार आयोजित किए जा रहे छोटी काशी महोत्सव में व्यास नदी आकर्षण का केंद्र रही। जिला प्रशासन ने पंचव्रत मंदिर के पास व्यास नदी के तट पर व्यास आरती का प्रबंध किया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और व्यास नदी की विधिवत पूजा अर्चना कर उसकी आरती उतारी। व्यास आरती करने के लिए जिला प्रशासन ने काशी से पंडितों को भी बुलाया था, जो गंगा आरती करते हैं।
गंगा की तर्ज पर इन पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ व्यास नदी की आरती उतारी। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए मंडी जिला के लोग विशेष रूप से यहां पहुंचे थे। लोगों ने व्यास आरती में भाग लिया और उसके बाद नदी में दीप दान किया। हजारों की संख्या में मिट्टी से बने हुए दीप व्यास नदी में प्रवाहित किए गए। ये पहला मौका है जब मंडी शहर में व्यास नदी की इस तरह से आरती उतारी गई। हालांकि हर महीने एकादश रुद्र मंदिर के पास व्यास आरती की जाती है, लेकिन इस बार ये बड़े स्तर पर आयोजित की गई जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। व्यास आरती के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि छोटी काशी उत्सव के साथ व्यास आरती को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है और भविष्य में इसे और बड़े और बेहतर ढंग से आयोजित किया जाएगा ताकि ये शहर का मुख्य आकर्षण बन सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार व्यास नदी के तट पर घाटों का निर्माण करवाने जा रही है जिसके लिए उचित स्थान तलाशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नदी के तट पर निर्माण कार्य करवाना आसान नहीं है जिसके चलते उचित स्थान की तलाशी की जा रही है। जैसे ही उचित स्थान मिलेगा वहां पर सुंदर घाट का निर्माण किया जाएगा जिसके बाद लोग उस स्थान में आकर व्यास नदी की आरती उतार सकेंगे।